हेलो स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक रहेगा जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये थ्योरी सी वी ब्रिजेस के द्वारा 1926 के अंदर दी गई थी। ये और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो जेनिक बैलेंस है, जो जीनों का बैलेंस, मतलब जब जीन प्रेजेंट होने एक्स क्रोमोसोम एंड जीन प्रेजेंट होने ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उसके रेशियो के आधार पर ड्रोसोफिला जो मेलानोगास्टर है, जिसको सामान्यतः फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, तो इनके रेशियो ये डिटरमाइन करते हैं, ये तय करते हैं कि उसकी जो संतति है ड्रोसोफिला की, वो मेल हो गई, काफ़ी मेल हो गई। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया सिर्फ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर की देखने को मिलती है। और ये एक प्रकार का जो अनुवांशिक को समझने में ये अपना एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो इट मे कम एज ए सरप्राइज दैट फ्रूट फ्लाइज यूज ए रिलेटिवली रेयर मैकेनिज्म टू डिटरमाइन सेक्स। तो फ्रूट फ्लाई के अंदर ये बहुत ही अलग और जो मैकेनिज्म है, जो सेक्स को तय करती है या सेक्स को डिटरमाइन करती है, तो इस प्रकार की मैकेनिज्म सिर्फ फ्रूट फ्लाइज में, मतलब ज़्यादातर इस प्रकार की मैकेनिज्म दूसरे जीवों के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये रेयर प्रकार की मैकेनिज्म है, जो सिर्फ इसी में देखने को मिलती है। और ये इसके अंदर जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है ड्यू टू द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। वो ये तय करते हैं कि जो इसकी ड्रोसोफिला की संतति है वो फीमेल के रूप में विकसित होगी या मेल के रूप में विकसित होगी। तो इसके अंदर जो उपस्थित है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर मौजूद जो जीन है वो तय करते हैं मेलनेस और फीमेलनेस। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, एक्स क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ ए जीन्स फॉर फीमेलनेस एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर कैरियर फॉर द जीन्स ऑफ मेलनेस। तो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो मौजूद जीन है वो ये तय करते हैं कि ड्रोसोफिला की संतति क्या होगी, मेल फीमेल होगी, और जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद जो जीन है वो ये तय करते हैं कि ड्रोसोफिला की संतति मेल होगी। द बैलेंस बिटवीन फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो नर और मादा को तय करने वाले जितने भी कारक हैं या जीन्स हैं जिसके द्वारा जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स या हार्मोन्स जो बनते हैं वो तय करते हैं मेल होना है कि फीमेल होना है, उनका जो बैलेंस है, तो ये जीन्स कहाँ होते हैं, एक्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे होते हैं, उनके बीच में बैलेंस बना रहना ये तय करता है कि वो मेल होगा फीमेल होगा, इसके अंदर प्रोसेस। तो ये जितना भी सारा प्रोसेस है इसका अध्ययन किसने किया, ब्रिजेस ने किया, और उसके बाद उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जो आपको नाम से ही दिखती थी, द बैलेंस ऑफ जीन्स, इसलिए इस थ्योरी का नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो इसमें यहाँ ये बस इस तहत जैसे एक्स 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 वाई डबल एक्स डबल वाई आर द फीमेल्स, तो यहाँ पर जो जितने भी ये इस प्रकार का जो सेक्स क्रोमोसोम्स का जो रेशियो होगा वो क्या करेगा, फीमेल के लिए उत्तरदायी होगा, एक्स वाई और एक्स जीरो प्रकार का जो रेशियो होगा वो मेल्स के लिए उत्तरदायी। ये कैसे आया, ये ऐसे आया जहाँ ये आप रेशियो देख रहे हो, एक्स क्रोमोसोम्स रेशियो ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इट मीन्स द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय द सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ सेट के रूप में अपन टू लिखेंगे, मतलब टू पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, दोनों फीमेल और फीमेल ड्रोसोफिला और मेल ड्रोसोफिला के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स को अपन दो के रूप में लेंगे, और एक्स क्रोमोसोम्स यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय द सेट ऑफ ऑटोसोम। तो यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ आप जो देख रहे हो, यहाँ नंबर ऑफ ऑटोसोमल जो सेक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल के अंदर कितने हैं, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, तो टू डिवाइडेड बाय टू, मतलब टू सेट्स हो गए, तो सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, दो, तो दो का भाग दो से एक रेशियो आएगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फीमेल होगा, जो आपको अगली स्लाइड्स में टेबल में भी देखने को मिलेगा। और एक्स वाई, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम क्या एक है, यहाँ पर एक्स जीरो, यहाँ भी एक है, तो एक डिवाइडेड बाय टू यानी कि उसका जो आएगा रेशियो का जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.5, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वो मेल डिसाइड करेगा। तो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का सेट ऑफ ऑटोसोमल का जो रेशियो है वो ड्रोसोफिला के अंदर ये तय करता है कि वो मेल होगा फीमेल होगा। तो ऐसा मेमल्स के अंदर नहीं है, ठीक है, मेमल्स से अलग है। तो ये एक प्रकार की रेयर मैकेनिज्म है जो ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलती है, जबकि मेमल्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम तय करता है फीमेल और वाई क्रोमोसोम तय करता है मेल, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधा टेबल की स्लाइड्स पे ले चलता हूँ, वहाँ ये रेशियो आपको दर्शाए गए, जो रेशियो है ये दर्शाते दिखाते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, जैसे एक्स एक्स, तो यहाँ पर टू सेक्स क्रोमोसोम
टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम, टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन, तो ये फीमेल के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ एक्स वाई और ये ऑटोसोमल सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम टू, तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम क्या है सिंगल है और ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है सेट क्या है टू, तो वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फाइव। तो जब भी जो रेशियो आएगा रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम है रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम जब भी वन आएगा तो वो ऑलवेज फीमेल होगा, 0.5 आएगा तो वो ऑलवेज मेल होगा, इन बिट 0.5 एंड 1 आएगा तो वो ऑलवेज इंटरसेक्स होगा, ना मेल होगा ना फीमेल होगा। मोर देन 1 आएगा जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं मोर देन 1, जैसे ये ट्रिपल एक्स है और यहाँ भी ट्रिपल एक्स है तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वहाँ का जो रेशियो होगा उसका आंसर क्या आएगा 1.5, तो ये क्या हो जाएगा सुपर फीमेल हो जाएगा या फिर आपको बेटा फीमेल का होगा, और लेस देन 0.5 आएगा तो बेटा मेल होगा या सुपर मेल होगा। जबकि यहाँ देख रहे हो जैसे ये रेशियो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो वहां पर क्या है लेस देन एक्स क्रोमोसोम्स है, तो या जो देखेंगे 0.3 या ये जैसे इंटरसेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोसोमल सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने, यहाँ पर आप ये देख रहे हो एक्स जीरो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के सेट क्या 3 हो गए, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये लेस देन कितना आ गया 0.5 आ गया, यानी कि 0.33 आएगा, तो ये मेटा फीमेल मेटा मेल कहो या फिर इसको आप क्या कहोगे सुपर मेल कहोगे, ठीक है। तो यहाँ रेशियो से ये दोनों के रेशियो जो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के सेक्स क्रोमोसोम के वो तय करते हैं कि उसकी जो ड्रोसोफिला या जिसको सामान्यतः अपन फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं उसका जो संतति है वो आगे आने वाली मेल होगी फीमेल होगी। तो इस टेबल में अभी तो इसका फार्मूला भी आप देख लें, इसका फार्मूला ये रहेगा द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, यानी कि नंबर 1, 2, 3 होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 सेट्स, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो ये ऑलवेज 2 आएगा। यदि ज़्यादा हो जाए तो जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो यहाँ 2 क्या 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का सेट्स बढ़ गया दोनों के अंदर या एक के अंदर, तो वो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वो इंटरसेक्स हो सकता है, मेटा मेल हो सकता है या मेटा फीमेल हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है या इस प्रकार का जो प्रोसेस है सेक्स डिटरमिनेशन का वो ड्रोसोफिला के अंदर ही देखने को मिलता है, दूसरे जीवों में इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। तो इसी के ऊपर दूसरी भी चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्लाइज आर अनेबल टू सर्वाइव विथ मोर देन 2 कॉपीज ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रोसेस कंपनसेशन की अपन बात करेंगे, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम्स के 2 कॉपी से ज़्यादा यदि एक्स क्रोमोसोम किसी अंदर की फ्लाइज के अंदर देखने को मिलते हैं तो वो सर्वाइव वो जीवित नहीं रह पाती आगे चलकर। तो डोसेस कंपनसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर जीवों में इक्वलाइज किए जाते हैं कि जो जितने भी जीन्स है जो मेल और फीमेल के उत्तरदायी या एक्स लिंक्ड जीन है तो उसको इक्वलाइज रखा जाता है कि वो बढ़ नहीं जाए, तो किसी प्रकार का डिजॉर्डर नहीं पैदा हो उस जीव के अंदर। तो जैसे अपन मेल्स में देख इन मेमल्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्या होता है कि यदि फीमेल के अंदर एक्स एंड 2x क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो मोस्टली एक्स क्रोमोसोम वही ज़्यादा जीन्स कैरी करता है जो उसके जीव के लिए कार्य करते हैं फंक्शनल रूप से या बायोकेमिकल रिएक्शंस में या पर्टिकुलरली मेल लेंस के या फीमेल लेंस के लिए काम आते हैं। तो दोनों के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम में दो मोस्टली उसके जीन्स सारे काम करते हैं, जबकि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में हर एक एक्स क्रोमोसोम कुछ कुछ प्रकार के जीन्स कैरी करता है, तो मेमल्स में जैसा है वैसा ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स सक्रिय रहते हैं, तो वहाँ तो यहाँ पर डोसेस कंपनसेशन की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं वो उसके जीन्स कि इनके अंदर जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो सक्रिय होते हुए भी उनको बराबर रखा जाए। तो यहाँ पर जैसे ही एक्स क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी तो वो और डिसऑर्डर कॉज करेगी, जिसकी वजह से यहाँ एनिप्लोडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर। मेमल्स में ऐसा नहीं होता, तो अनलाइक मेमल्स, मतलब मेमल्स में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स एक ही एक्टिव रहता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम यदि फीमेल के अंदर है वो तो असक्रिय हो जाता है, और मेल के अंदर भी एक्स वाई होता है तो वहाँ ऑब्वियसली एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो सक्रिय होता है, जबकि ड्रोसोफिला में दोनों एक्स क्रोमोसोम सक्रिय होने की कोशिश करते हैं और वहाँ जो लिंक जीन है वो उसके जीन एक्टिव होते हैं। तो यहाँ डोसेस कंपनसेशन की प्रक्रिया होती है और वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है जिससे कि उनका जीन का जो इक्विलिब्रियम है वो बराबर समान रूप से बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे ही कोई एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, जैसे ही एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम विच कंटेंट्स क्लोज टू द 1/3 ऑफ लाइजीन्स, तो मतलब जैसे ही कोई तीसरा एक्स क्रोमोसोम आ जाए यदि फीमेल के अंदर
तो एक ये वो जीन कैरी करता है जिसकी वजह से क्या होता है, एनी फ्लूइड कंडीशन डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्लाइज के अंदर। तो जिस वजह से क्या है कि दो सेल की कोशिका की जो इक्विलिब्रियम में समानता वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को या जिसकी वजह से कुछ क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है या उसके अंदर क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उस प्रक्रिया को अपन एनी फ्लूइड कहते हैं। दैट नंबर डिक्रीजेस या इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एनी फ्लूइड। तो ये अलग प्रकार का एक प्रोसेस है जो ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है और मेमल्स में इस प्रकार का प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमिनेशन आल्सो डिफर। तो कुछ और ऐसी भी प्रक्रिया है या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ ड्रोसोफिला में घटित होती हैं जो मेमल्स के सेक्स डिटरमिनेशन से बिल्कुल अलग है उनसे। जैसे पहला है सेक्स डिटरमिनेशन बिगिंस इमीडिएटली। पहला ये क्या है कि इनके अंदर जो सेक्स की तय होने की प्रक्रिया है जो जस्ट निषेचन के पश्चात शुरू हो जाती है, जबकि मेमल्स में ऐसा नहीं। मेमल्स में करीब करीब 6 सप्ताह लगते हैं वो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, 7वें सप्ताह तक जब हार्मोनल और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो तय करते हैं, तो उनको करीब करीब 6 या 7 सप्ताह, 6 से 7 सप्ताह तक लग जाते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के। जबकि यहाँ पर जस्ट आफ्टर निषेचन यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है ड्रोसोफिला के अंदर। और यहाँ पर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि मेमल्स के अंदर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेलनेस और फीमेलनेस के लिए। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हार्मोन यहाँ पर क्या है, एक्स एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स रेशियो है दोनों का, वो उत्तरदायी होता है मेल और फीमेलनेस के लिए। तो ये जो फार्मूला है मैंने पहले ही बता दिया है कि जो रेशियो आएगा द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय सेट ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, मतलब एक्स क्रोमोसोम की संख्या और नीचे ऑटोसोम सेट, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के सेट कितने हैं, 2 है 3 है 1 है, जैसे नॉर्मली 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम पाए जाएंगे दोनों मेल्स में और फीमेल्स में। माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है जो जीन्स या टेस्ट है जो जीन के एक्सप्रेशन को दर्शाता है, मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन को। इंडिकेट्स दैट द सेक्स स्पेसिफिक डिफरेंसेस इन जीन एक्सप्रेशन आर क्वाइट एक्सटेंसिव देखने को मिलता है यहाँ ड्रोसोफिला के। इनफैक्ट रफली 30% ऑफ ड्रोसोफिला जीन्स वी आर फाउंड टू शो सेक्स स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर किसी सेक्स के प्रति बायस्ड एक्सप्रेशन दर्शाते हैं, मतलब पक्ष किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल के प्रति दर्शाया जाता है, तो देखने को मिलता है ड्रोसोफिला के अंदर 30% जीन्स, ऐसा अपने मेम्बर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये टेबल्स का अपन जिक्र कर चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक है जो जेनिक बैलेंस थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरीज हो तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। यदि कोई टॉपिक या कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेक्स डिटरमिनेशन थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है और कुछ अदर्स फैक्टर भी है, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज का इतना ही, थैंक यू।